दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लगातार हवा जहरीली होती जा रही है और एयर क्वालिटी इंडेक्स शनिवार को सुबह 496 तक पहुंच गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सीमा गुप्ता गाजियाबाद से लाइव जुड़ चुकी है। सीमा, गाजियाबाद में प्रदूषण का कहर बढ़ता जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, जिस तरह से दिवाली के बाद से लगातार गाजियाबाद में पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है और आज एयर क्वालिटी पारा 480 को पार कर चुका है, यह बहुत ही ज्यादा जानलेवा है और खतरे के निशान से ऊपर आ चुका है। सीमा, वहीं आपने अगर आम लोगों से बात की हो तो आम लोग क्या कुछ कहते नजर आए हैं बढ़ते प्रदूषण को लेकर? जी, अगर बात करें आम जनता की तो यहाँ पर लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लोग घरों से बाहर जब निकल रहे हैं तो मुंह पर मास्क लगाकर निकल रहे हैं, क्योंकि इस हवा में जितना पॉल्यूशन मिक्स हो चुका है वह लोगों को सांस के साथ फेफड़ों में जा रहा है, जो कि भयंकर बीमारी पैदा कर सकता है। लोगों को आंखों में जलन की बहुत ज्यादा शिकायत हो रही है। सीमा, अधिकारी क्या कुछ कहते नजर आए इस बढ़ते प्रदूषण को लेकर? जी, अगर बात करें अधिकारियों की तो उन्होंने एक ऐसी नई पहल शुरुआत की है जिसके चलते उन्होंने पेड़ों पर छिड़काव कराने की व्यवस्था की है, जिससे कि गाजियाबाद का पॉल्यूशन स्तर कुछ हद तक कम आ सके, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ भी गिरावट देखने को नहीं आ रही है। शुक्रिया सीमा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राजधानी जयपुर के बस्ती में श्री बलराम आदर्श प्राथमिक विद्यालय में एक अनूठे स्कूल बैंक की स्थापना की गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम तिवारी जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम, गरीब बच्चों के लिए स्कूल बैग खोला गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? कि प्रदेश की राजधानी जयपुर के जो बस्ती कस्बा है यहाँ पर एक स्कूल है एबीएम, यहाँ पर एक बच्चों के लिए एक अनूठी पहल की गई है। एक अनूठा बैंक खोला गया है, जो स्कूल के अंदर ही बैंक खोला गया है। जो गरीब तबके के बच्चे हैं या फिर कोई बच्चे अपने जो लेखन की या पाठन की जो सामग्री भूल आए हैं उसको लेकर के उनको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, इसलिए विद्यालय में एक बैंक खोला गया है। पुरुषोत्तम, स्कूल बैंक सेवा का लाभ कितनी उम्र तक के बच्चे ले सकते हैं? जी, मैं आपको बता दूं, ये अभी तक आदर्श प्राथमिक विद्यालय बस्सी में खोला गया है और यहाँ पर कक्षा 1 से 8वीं तक के पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं इस बैंक में लाभ ले सकेंगे। साथ ही इस बैंक में स्कूल में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं का अकाउंट खोला जाएगा, ताकि अपने जो भी जेब खर्चा होता है तो उसमें कुछ सेविंग करके वो बैंक में जमा करा सके, ताकि कभी भी उनको भविष्य में जरूरत पड़े तो निकला सके। पुरुषोत्तम, वहीं अगर आपने बच्चों के पेरेंट्सों से बात की हो तो बच्चों के पेरेंट्स क्या कुछ कहते नजर आए हैं इस पूरी सेवा को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब मैंने इनके पेरेंट्स से बात की तो सामाजिक युवा संगठन की ओर से ये जो बहुत अच्छी पहल बताई गई है कि बच्चों के भविष्य को लेकर के और बच्चों को एक एक जागृति को लेकर के स्कूल बैंक की जो स्थापना की गई है, जो शुभारंभ किया गया, बहुत ही बढ़िया पहल बताई गई है। जी राणा जी, शुक्रिया पुरुषोत्तम तिवारी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जौनपुर में एसपी दफ्तर के पीछे ज्वेलर्स के यहाँ नकाबपोश बदमाशों ने लगभग 1 करोड़ के जेवरात की लूटपाट की है और विरोध करने पर दुकान मालिक को भी मारा, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट हेड रिजवान अंसारी जौनपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। रिजवान, जौनपुर में आए दिन बदमाश एक से बढ़कर एक वारदात को अंजाम देने में लगे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक से बढ़कर एक संगीन वारदात को अंजाम देकर बदमाश हो रहे हैं फरार। अभी एडिशनल एसपी के ऑफिस के बिल्कुल ठीक पीछे जौनपुर के अंदर महालक्ष्मी ज्वेलर्स के शोरूम में नकाबपोश बदमाशों ने 1 करोड़ रुपए के सोने चांदी के जेवरात लूट लिए और विरोध करने पर जहाँ उसे गंभीर रूप से घायल किया, वहीं बदमाश फायरिंग करते हुए इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। रिजवान, पुलिस विभाग के अधिकारी क्या कुछ कहते नजर आए हैं इस पूरी घटना को लेकर? पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, क्योंकि मामला गंभीर है, मामला बड़ा है। करीब 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी का सवाल है, सोने चांदी के आभूषणों का सवाल है। मौके पर पुलिस ने पहुंच कर कई बिंदुओं पर लूट की जांच शुरू कर दी है और लुटेरों की तलाश में लगी है, और पुलिस का दावा है कि शीघ्र ही लुटेरों को गिरफ्तार कर इस मामले का खुलासा किया जाएगा। रिजवान, वहीं अगर आपने ज्वेलर्स मालिक से बात की हो तो उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रकरण को लेकर? हो गए और हम पीछे छुपने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने हमारे साथ भी विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी। हमने बहुत प्रयास किया,
कि ये हमारे साथ मारपीट ना करें, लूट ना हो, मगर कोई हमें बचाने नहीं आया। और मात्र 50 मीटर की दूरी पर ही एडिशनल एसपी महोदय का ऑफिस है। इतना बदमाशों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, उन्हें बिल्कुल भी खौफ नहीं था पुलिस का कि पुलिस मौके पर आ जाएगी और वो मारे जा सकते हैं। हालांकि एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां दावा करते हैं कि बदमाशों के खिलाफ सख्त से सख्त अभियान चलाया जा रहा है, ये बात सच है, मगर बदमाश जहां एनकाउंटर मारे भी जा रहे हैं, एनकाउंटर में घायल भी हो रहे हैं और जेल भी जा रहे हैं, वहीं बदमाश पुलिस को चुनौतियाँ देने में बाज नहीं आ रहे हैं और एक से बढ़कर एक संगीन वारदात को अंजाम दे रहे हैं। वहीं पीड़ित का कहना यह है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मैंने पुलिस से अपनी सुरक्षा की भी गुहार लगाई है और जो मेरे लूट हुई है उसका शीघ्र खुलासा करने का मैंने पुलिस से निवेदन किया है, अनुरोध कर रहा हूं और प्रयास में हूं। शुक्रिया रिजवान, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।